प्रेस वाले ने मुझे पूछा क्या आपको ठंड नहीं लगती, और मैंने सोचा ये मुझसे पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते, ये हिंदुस्तान के मजदूर से क्यों नहीं पूछते, ये हिंदुस्तान के गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते। फिर कहते देखो 2800 किलोमीटर चल लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान चलता है, जिंदगी भर चलता है, किसान चलता है, मजदूर चलता है, फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो चलते हैं, तो हमने ये कोई बड़ा काम नहीं किया भाई और बहने, पूरा हिंदुस्तान करता है, रोज करता है। हम 2800 किलोमीटर चलते हैं, किसान शायद जिंदगी में 10,000 15,000 20,000 चल लेता है। तो मैं चाहता हूं कि ध्यान सही जगह जाए। अब बीजेपी ने धर्म की बात उठाई है, हिंदू धर्म की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि गरीबों को, कमजोर लोगों को कुचलना चाहिए? कहां लिखा है? कहां लिखा है कि कमजोर लोगों को मारना चाहिए? कहां लिखा है मुझे बताओ, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं, कहीं नहीं पढ़ा मैंने। आपने पढ़ा कहीं? गले लगाने की बात होती है। अच्छा ठीक है, देखिए अब ये लोग देश में डर फैला रहे हैं, नफरत नहीं दिखी मगर डर दिखा। किसके दिल में डर? किसान के दिल में, युवाओं के दिल में, छोटे दुकानदारों के दिल में, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं उनके दिल में, माताओं बहनों के दिल में। मुझसे कहती है राहुल जी बीजेपी की सरकार में हम तो सड़क पर, शाम को सड़क पर नहीं निकल सकते, तो डर फैला दिया है। सही सही। अच्छा आपने शिव जी की फोटो देखी है? उसमें उनका हाथ ऐसे देखा आपने? इसको क्या कहते हैं? इसको अभय मुद्रा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डरो मत। तो शिव जी कहते हैं डरो मत, हिंदू धर्म कहता है डरो मत, और ये लोग 24 घंटा इस देश में डर फैलाने की कोशिश करते हैं।